स्वच्छ भारत मिशन के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित खंड के विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में 2016-17 में ग्राम पंचायतों के लिए शासन द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब है कि गोरखपुर जनपद में 34 ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत ग्राम में ही पंचायत घर, शौचालय, साफ सफाई, सड़क नाली सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी 34 ग्राम पंचायतों के लिए ही शासन ने धन अवमुक्त किया है, जिसका डीपीआर बनकर तैयार है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने निर्देश दिया है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से गांव के विकास के लिए शासन द्वारा जारी और परफॉर्मेंस ग्रांट की सुचिता के साथ पालन करते हुए उसे गाँव के विकास में खर्च किया जाए, जिससे गाँव का समुचित विकास किया जा सके। रीजन जो टेंडर खोलता है और तो जो टेंडर में शामिल होता है उसके लिए जरूरी होता है। टेंडर जो कॉल करेगा उसका बाकी मेंबर्स उसमें नहीं, ये तो डीपीआर हो गई ब्लॉक से कर दिया सर। 34 मेरे बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। अभी तो मेरा क्या हाँ सर, बट समिति तो जनपद स्तर से बना हुआ वैसे। हाँ ना, तो वहाँ से भी बना है कि ग्राम पंचायत में और यहाँ आपके दफ्तर में शायद होना है डॉक्यूमेंटेशन तो खुलेगा उसी टाइप का, तो फिर कितने कितने गाँव में बट जाएगा ना, एक ही समय में आपको खोलना नहीं पड़ेगा। वैसे काम तो है, वो तो है ही है, काम तो एक दिन का काम तो है ही पूरा, किसी दिन खुलेगा उसी दिन का तो लगातार पड़ेगा। ठीक है, कब खुल रहा है? ये सर 10 दिन का इसमें टेंडर होता है सर, मीटिंग होती है। 5 लाख से अधिक का उसका, 3 लाख का मीटिंग कर दिया सर, आज मीटिंग कर। कब खुल रहा है टेंडर? कब खुल रहा है भाई वो सामग्री का? 8 करोड़ 9 करोड़ का शायद टेंडर हुआ। अलग अलग है सर, सब का अपना। हाँ,